डॉक्टर साहब, एंड ऑफ डायलिसिस जो एंड ऑफ ट्रांसप्लांट हम ये बुक के बारे में जानेंगे, इसमें आपने ग्रेड सिस्टम के बारे में कहा है, जिसके लिए ग्रेड का जो फुल फॉर्म है ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, इसके बारे में आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं, क्योंकि जब ये पढ़ेंगे तो उससे कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए, ये बहुत ही एक सीरियस मामला है। इमेजिन कीजिए, मुझे लगता है जितनी सारी बीमारियां इंसान को होती है उनमें सबसे ज्यादा पेनफुल अगर कोई बीमारी है वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट इफ दे आर गोइंग ऑन डायलिसिस, राइट। मतलब ये कि इमेजिन कीजिए कि हफ्ते में 2 या 3 बार उनका पूरा ब्लड निकल के बाहर जाता है मशीन में, फिर वापस आता है, और ये प्रोसेस हर हफ्ते होना है, हफ्ते में 2-3 बार होना है, कोई लेके जाएगा कोई लेके आएगा, तो वो सिर्फ इसी में लग जाता है, दो लोग तो ही जॉब गई, पर महीना उसका खर्चा है 20-25,000-30,000 डिपेंडिंग ऑन कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज अ वेरी पेनफुल सिचुएशन एंड एवरी डे इज गेटिंग क्लोजर टू द डेथ, एवरी डे वो और ज्यादा वो उसकी हालत खराब होती जा रही है, वो अपनी मौत को देख रहा है धीरे धीरे। तो दिस इज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट। तो इसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, उसको समझने के लिए, समझाने के लिए मैं एक छोटा सा आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ, एंड इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर सब कुछ छुपा है, राइट। तो 5 मिनट का है, लेट्स सी दैट। अगर कोई हिम्स हॉस्पिटल में आते हैं और आके वो अपना किडनी ठीक कराते हैं, डायलिसिस छुड़वाते हैं और पूरी तरह दवाई फ्री मेडिसिन फ्री हो जाते हैं, तो उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तब है कि उन्होंने अपने आप को खुद ब खुद बिना हमारे इंटरवेंशन के घर पे ठीक कर लिया हो। तो ऐसी एक कहानी जो मुझे लगता है आपके माध्यम से देश में पहुंचे, क्योंकि आज देश में लाखों किडनी के ऐसे पेशेंट हैं जो डायलिसिस पर निर्भर हैं, ऐसे पेशेंट हैं जो ट्रांसप्लांट ऑलरेडी करा चुके हैं वो भी फेल हो चुका है। तो अगर ऐसे लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अगले 5 मिनट में जो सुनने जा रहे हैं वो आपके लिए आई ओपनिंग होगा, आपको ये भरोसा हो जाएगा कि आप जहां कहीं भी हैं वहीं रहते हुए आप ठीक हो सकते हैं, आपको हम तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अभी विंग कमांडर धैया जी और उनकी धर्मपत्री जो बोल रहे हैं अगले 5 मिनट में वो सुनने की जरूरत है, तो आप और हम यही सुनेंगे बहुत ही शांति से। मेरा नाम रुचि है, मैं 37 ईयर्स ओल्ड हूँ। सर मेरे लिए भगवान है, मैं पास और कोई वर्ड नहीं है सर के लिए, क्योंकि सर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। अक्टूबर 2020 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, मेरी मदर ने मुझे किडनी दी थी। इनिशियली फर्स्ट 2 मंथ्स तो बहुत अच्छे निकले, बट उसके बाद मेरा क्रिएटिनिन बढ़ने लग गया। डायग्नोज किया, बायोप्सी करी नई किडनी को, तो पता चला बीके वायरस है। 2 साल के अंदर मेरा क्रिएटिनिन बढ़ के 7 पहुँच गया, तो मतलब ट्रांसप्लांट को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी ब्लेसिंग्स थी भगवान की कि जून 23 में हम सर से मिले, हिम्स हॉस्पिटल में सर से मिलने गई। मेरी 3 दिन के बाद फिस्तुलर सर्जरी थी, डॉक्टरों ने मुझे डायलिसिस पे जाने के लिए बोल दिया था। 3 दिन सर ने मुझे, 17 जून को हमारी एनिवर्सरी थी, और आज तक का मुझे बेस्ट गिफ्ट मिला कि जो मैं सर से मिली। 17 जून को सर ने मुझे बोला फिस्तुला बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट फॉलो द स्टेप्स, डाइट फॉलो करो, ट्रीट थेरेपीज फॉलो करो, एंड मैंने रिलीजियसली फॉलो करी। मेरा क्रिएटिनिन 7 से 3.6 तक आ गया था, और अभी भी मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, और मैं घर बैठ के सब कुछ फॉलो कर रही हूँ। मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई, कभी हिम्स में नहीं गई, जो भी कर रही हूँ मैं सर के यूट्यूब वीडियोस को देख के फॉलो कर रही हूँ। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, मेरी ज़िंदगी बदल दी है सर ने। मुझे अब लगता नहीं मुझे सेकेंड ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, इसी चीज़ को रिलीजियसली फॉलो करके मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही रख सकती हूँ। थैंक यू सो मच सर। माइक को इधर ले, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Like most of the things have already been covered by my wife, and as she said, fortunately we met sir on the 17 June 2023. It was our anniversary on that day, and that was the best gift that we can expect from anybody on that day, that he has given a new life to our whole family. And in this thing, I believe it is also responsibility of the near and dear ones, jo patients ke hain, because they have to give that moral support. Because it's I was just talking to somebody just now that allopathy has spoiled our mind, it kind of quick fix, but this is how we need to change our lifestyle for a long duration, for a long lasting effect. And I'm sure things will better improve, आगे और अच्छी होंगी with the lifestyle जो अब मिल गया है, and we are from the core of our heart we are thankful to Dr. Bishrup sir, and will whomsoever we meet after that we always tell them that this is the lifestyle, this is the videos, and people are
doing it and change is there in positive way. So we are thankful to God and thankful to Dr. Bishwaroop Choy Chaudhary, and we'll stay connected and we'll keep doing this journey religiously. Thank you so much, sir. Thank you. वो डीआईपी डाइट उन्होंने किया, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. और सेकंड, हॉट वाटर इमर्शन. हॉट वाटर इमर्शन क्या है वो एक मैं आपको दिखाता हूँ. ये है हॉट वाटर इमर्शन. आप देखिए यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस का पानी है. ये हमारे हॉस्पिटल का ही वीडियो है और ये सारे रियल पेशेंट हैं जो अदरवाइज डायलिसिस पे थे पहले. और 40 डिग्री सेल्सियस पानी है और पानी का आप गले तक या शोल्डर तक पानी है और ऐसा 2 घंटे बैठना है और ऐसे इस तरह से बैठना है. तो जब ऐसे बैठते हैं तो हमारा जो स्किन है इट बिकम्स द थर्ड किडनी. पानी का प्रेशर पड़ रहा है और हीट पड़ रहा है. जब ये दोनों चीज स्किन पे पड़ता है इट बिकम्स द थर्ड किडनी. तो 2 किडनी फेल हो गया लेकिन भगवान ने एक तीसरी किडनी दी, वो एक्टिवेट हो गई. जब पानी से बाहर निकलेंगे ये तो हम देखते हैं कि इनका जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है हर बार. इनका जो वेट 500 ग्राम से 1 किलो के बीच में रिड्यूस होता है. वही वाला वेट जो किडनी फेल होने की वजह से बाहर नहीं निकाल पा रहा था थ्रू यूरिन, तो वो इकट्ठा होता जा रहा था फ्लूइड. लेकिन उस फ्लूइड को स्किन के रास्ते निकाला. ये समझने की जरूरत है कि आप अगर यूरिन का एग्जाम्पल लेंगे, अपने पसीने का, स्वेट का एग्जाम्पल लेंगे, दोनों लैब टेस्ट कराएंगे तो दोनों सिमिलर मिलेंगे, राइट. तो यूरिन एंड योर स्वेट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, राइट. उसमें दोनों में क्रिएटिनिन मिलेगा, दोनों में यूरिया यूरिक एसिड और दोनों में प्रोटीन, दोनों में शुगर, ये सब चीज सेम मिलेंगे. तो जब हमारी किडनी फेल हो गई तो तीसरी किडनी को स्किन विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन उसको एक्टिवेट कर दिया. तो अब किडनी को मौका मिल गया टू रिवाइव. रिवाइव करने के लिए वो डीआईपी डाइट है और अभी सपोर्ट करने के लिए ये हॉट वाटर इमर्शन है. ये दोनों चीज जो उन्होंने किया, मिसेस दहिया ने जो किया, तो उससे क्या कि जो ट्रांसप्लांट के बाद दूसरा ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और तब तक के लिए जो डायलिसिस की जरूरत थी और साथ में दवाइयां, वो सब के सब रुक गई. अब वो घर पे ये करती हैं, डाइट लेती हैं और दोनों को दोनों, क्योंकि अगर ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो फेल हो जाएगा. और जब फेल होता है तो 2 लोग फेल हो रहे हैं, एक जिसका ट्रांसप्लांट फेल हुआ और दूसरा जिसने दिया उसके पास भी तो एक ही रह गया, वो भी तो पेशेंट ही बन गया. जबकि इसका ऑल्टरनेट क्या है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ग्रैड, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट. ग्रैड का फुल फॉर्म, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस क्या है उसको मैं आपको समझाता हूँ. मान लो आपके पास कोई किडनी पेशेंट आता है जो इनिशियल सिम्टम होते हैं कि पैरों में सूजन वगैरह आ जाता है, सूजन आ जाता है इनिशियल सिम्टम, पहला सिम्टम कि पैरों में सूजन आ गया, यूरिन आउटपुट कम हो गया, दैट इज हाउ इट स्टार्ट्स. तो उसको वहीं आप रोक सकते हैं. तो जैसे ही कोई पेशेंट आए ऐसा बोले कि मेरे पैरों, जब बैठते हैं जैसे आप बैठे हैं अभी, और ऐसे अगर जितनी देर बैठेंगे आपके पैर थोड़े सूजन लगने लगे, आंखों में सूजन आने लगी, दैट इज द फर्स्ट सिम्टम. सिम्टम से पहचानिए किडनी डिजीज को, कभी भी आंकड़ों से मत पहचानिए, राइट. तो ऐसा सिम्टम आते ही आपको ये बोलना है कि अभी से स्टार्ट द डीआईपी डाइट जो घर पे कर सकते हैं. एंड वी कॉल इट हेड डाउन टिल्ट. ये हेड डाउन टिल्ट 10 डिग्री पे मैंने इसको एंगल कर दिया बेड को, राइट. 3 ईंटें लगाएंगे तो 10 डिग्री एंगल बनता है और पेशेंट ऐसे लेटेगा, पोस्चर कोई भी हो लेकिन सिर नीचे की तरफ. ऐसे जब 2 घंटे लेटता है तो ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस यानी कि ग्रेविटी, अभी तो ग्रेविटी आपके मेरी कैसे काम कर रही है, ब्लड को नीचे पुल कर रही है ना, नीचे खींच रही है, लेकिन यहाँ ब्लड को वो ऊपर भेज रही है, आप समझ रहे. तो हार्ट के डायरेक्शन भेज रहे हैं. यहाँ जब हम खड़े हैं, आप बैठे हैं, तो हार्ट के अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रही है. इस पोस्चर में ग्रेविटी इज वर्किंग विद द हार्ट, टूवर्ड्स हार्ट, और बीच में आता है किडनी. तो किडनी में ब्लड पूल होता है जिससे किडनी की रिपेयरिंग फास्ट होती है, सूजन 2 घंटे के अंदर कम हो जाती है. लेकिन अगले दिन फिर करना है, फिर करना है 15-20 दिन में, जब देखा कि अब सूजन दोबारा नहीं आ रही, दिस मींस कि वो ठीक हो चुका है. तो डाइट काम कर रहा है एंड ग्रेविटी काम कर रही है. तो ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, ये जो ना यहाँ भी ग्रेविटी काम कर रही है. आप सबके ऊपर तो एटमोस्फेरिक प्रेशर है ही इस वक्त, लेकिन इन लोगों में एटमोस्फेरिक प्रेशर सिर्फ यहीं तक है जहां तक कि बाहर है, और पानी के अंदर वाले हिस्से में एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर 20% मोर प्रेशर. उसमें कार्डियक आउटपुट अबाउट 20% बढ़ जाता है. जो 20% कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा आपके घर पे, अगर बाथटब है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, एक दिन, आई नो यू आर मोस्ट ऑफ द ऑफ यू आर हेल्दी, एक दिन मेरे कहने पे आप हॉट वाटर में बैठ के देखो, 15-20 मिनट के ज्यादा नहीं बैठ सकते, हाफने लगेंगे, मानो कि बहुत जोर से दौड़ रहे हैं. आप स्टेशनरी हैं लेकिन आपका हार्ट की फंक्शनिंग इज एज इफ यू आर हैविंग ए मैराथन. तो वो जो अंदर का इफेक्ट है वो हीलिंग करता है. तो पहले दिन कोई भी 2 घंटा नहीं बिठाते हम,
पेशेंट्स को, पहले दिन 20 मिनट 25 मिनट 23 मिनट करते करते ओवर अ पीरियड ऑफ 10 डेज 15 डेज अब वो दो घंटा ऐसे बैठ पाता है. तो दैट इज व्हाट इज ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट. ग्रेविटेशन रेजिस्टेंस में पहला ये हो गया, ये भी ग्रेविटेशन रेजिस्टेंस का पार्ट है, डाइट तो आपको पता है. तो ये इनमें से एक भी ऐसी चीज नहीं है जो कि घर पे कोई ना कर सके. इनफैक्ट हमारे जो पेशेंट्स हैं, जैसे हम बोलते हैं घर पे करो, तो वो जुगाड़ू भी बहुत है, घर पे कर लेते हैं आराम से. आपको लग रहा होगा कैसे करते हो घर पे, देखिए कैसे करते हैं घर पे. ये तो ये गर्म पानी अंदर डाल दिया, ये इंडस्ट्रियल ड्रम है, और सामने एक और गर्म पानी का, ज्यादा गर्म पानी ताकि ये ठंडा होने लगे, तो यहाँ से लेके वो साथ ही साथ खाली तो बैठे ही हैं, तो इस तरह से करेंगे. ये रियल पेशेंट है जो एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, रियल पेशेंट, राइट. दे अंडरस्टूड थ्रू आवर वीडियो, थ्रू दिस बुक, एंड दे स्टार्टेड डूइंग एट होम. ये हिंदी इंग्लिश में बुक है. ये फ्रिज का दरवाजा निकाल दिया इन्होंने, राइट, और इसके अंदर बैठ गए. तो पीपल आर क्रिएटिव. ऐसा नहीं कि बहुत पैसा चाहिए, दिमाग चाहिए और करने की थोड़ी बहुत इच्छा चाहिए. इन्होंने देखिए आपने, इन्होंने अपने बाथरूम में एक वॉल एक्स्ट्रा लगा दिया, गीजर वगैरह ऊपर था ही, गर्म ठंडा मैनेज करने के लिए दो टैप आप देख ही रहे हैं. ये इंजीनियर है अमरावती के, इन्होंने तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड बनाया एक मूविंग मॉडल, कहीं भी लेके जा सकते हैं और पानी को ऑटोमेटिकली गर्म ठंडा या रोक सकता है. तो ये दिखा भी रहे हैं, ये इनसे लोग ऑर्डर भी लेते हैं कई बार जो पेशेंट्स हैं, है ना. तो ये थर्मोस्टेट वगैरह लगाया, ही शोइंग दैट. तो इन्होंने तो एक टीवी भी लगा दिया, दो घंटे बोर ना हो जाए तो टीवी भी उनके बाथरूम में लग गया. दीज आर द रियल पेशेंट्स, राइट. इनके घर पे जगह नहीं है तो इन्होंने घर के बाहर ही एक बाथटब बना दिया. ये जो पैनल देख रहे हैं ये इन्होंने हमसे खरीदा जो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बाकी इन्होंने खुद बना लिया. तो यानी कि ये इन्होंने सिंटेक्स का टैंक जो होता है आपके छत पे है उसको काटा बीच में से, एंड वही इनका हॉट वाटर इमर्शन बन गया. इन्होंने सिंपल अमेजन से खरीद लिया, ये तो बाजार में नॉर्मली मिलता उसको यूज कर लिया, एक थर्मोस्टेट खरीद लिया और घर के गीजर में कनेक्ट कर दिया. तो इस तरह से लोगों ने अपने आप ही अपना जुगाड़ करके, व्हेन दे गॉट क्योर्ड तब उन्होंने वीडियो फोन ऑन किया कि हम तो ठीक हो गए, जस्ट थैंक्स बोलने के लिए. हमने बोला आप ठीक कैसे हुए, घर पे कैसे किया, हमें भेजो, देन दे सेंड ऑल दिस. तो हम अपने नए पेशेंट को ये शेयर करते हैं. इन्होंने देखिए टंकी को काटा, अपनी वाइफ के लिए बनाया और एक कुर्सी भी लगा दी ताकि आराम से कंफर्टेबली दो घंटे बैठा जा सके, राइट. सो पीपल आर इनोवेटिव. और इन्होंने खुदाई करके एक जमीन में गड्ढा खोदा, एक हीट रेजिस्टेंट पॉलिथिन लगाया और उसमें गर्म पानी भर के हॉट वाटर इमर्शन इन्होंने बना दिया. तो ये इन्होंने, ये हीट रेजिस्टेंट पॉलिथिन है इन्होंने. दीज आर द रियल पेशेंट, दोज हु हैव नेवर मेट मी, मोस्ट ऑफ देम. ये बुक पढ़ा, समझा, वीडियो देखा, अंडरस्टैंड किया, राइट. एंड ये अजमेर का बच्चा है, हफ्ते में दो डायलिसिस था पहले, अब नहीं. इन्होंने अपने घर पे ही इनके पिताजी ने जुगाड़ कर दिया, एंड देन सो दैट डायलिसिस से बचने के लिए. और ये भी जिंदगी भर नहीं करना है, 3 महीने 4 महीने, हो सकता है 6 महीने, बट वंस दे आर, अब उनके सिम्टम चले गए तो उसको बंद कर दिया. डाइट हमेशा करना है. तो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम. डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया थर्मोस्टेट, टेम्परेचर कितना होना चाहिए और दिन में कितनी बार करना चाहिए, इसका भी वीडियो वगैरह में सब बताया हुआ है. देखिए टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, राइट. और दिन में तब करना है जब आपका पेट खाली हो, या तो सुबह सुबह होता है, और शाम के सूरज ढलने से पहले आप डिनर कर ही रहे हैं तो 2-3 घंटे में सब कुछ डाइजेस्ट हो ही जाना है, तो रात को सोने से पहले कर लो. तो देर आर टू टाइम, आइदर अर्ली मॉर्निंग और बिफोर गोइंग टू बेड, इन दोनों में से 40 डिग्री सेल्सियस, राइट. ये हमारे जो पेशेंटों को रट्टा हो गया, बुक में भी हमने लिखा है, वीडियोज में बताते हैं.